हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड मूवर एकेडमी। माई सेल्फ मोदित निगम एंड आई टीच मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, ये जो इंस्टीट्यूट है ये है सहारा स्टेट्स लखनऊ के में LPC स्कूल, आप लोगों ने देखा होगा लखनऊ पब्लिक कॉलेज स्कूल जो है उसके सामने ही है, उसके अपोजिट में। तो अगर आप क्लास 8 से 12 के बीच के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहां सेंटर पे आके एनरोल करा सकते हो। लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास जो कि फिल हो रही हैं, आप एडमिशन ले लीजिए और आने वाले जो भी आपका सेशन है उसमें आप पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है आपका लीनियर इनइक्वालिटी पे है, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और जो 11th में भी CBSE में दिया हुआ है। तो इसमें क्या रूल्स होते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं अगर आपसे कि लीनियर इनइक्वालिटी में कितने तरीके से आप लीनियर इक्वालिटीज आपने सुनी है, तो आप क्या बताओगे मुझे कि सर मैंने लेस देन सुना है, ग्रेटर देन होता है, लेस देन इक्वल टू होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ये चार इनइक्वालिटी आपने सुनी होंगी। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करने की बात आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, देन यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। तो क्या है रूल्स, सबसे पहले अगर मैं रूल्स को डिस्कस करूं, मैं शॉर्ट में ही रूल्स समझा रहा हूं, एक शॉर्ट नोट आप बना लोगे तो आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। रूल नंबर वन क्या है, रूल नंबर वन ध्यान से सुनो। रूल नंबर वन की जब हम बात करेंगे तो लीनियर इनइक्वालिटी में एक रूल होता है, मैं लिख भी दे रहा हूं, आप लोग भी लिख लीजिए साथ में, इफ वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन। अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। रिवर्स हो जाने का मतलब ये जो इनइक्वालिटी आपने पढ़ी, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चेंज हो जाएंगी और चेंज होके इसका रिवर्स देगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन है तो लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लीजिए ध्यान से। अगर आपने सॉल्व किया और मेरा आंसर आ गया, मान लो माइनस एक्स लेस देन 8, आपको बोला था क्या कि x की वैल्यू बताओ, तो आप इस माइनस साइन को उधर ले जा रहे हो, अगर कैसे ले जाओगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, माइनस से मल्टीप्लाई अगर आपने किया तो बोलो क्या हो जाएगा, ऐसे तो लिखोगे आप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 8 हो जाएगा। पर अगर लेस देन थी तो वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाने का मतलब x की जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या वैल्यूज होंगी, x शुड बी ग्रेटर देन माइनस 8 टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू बोल लो, या फिर ये नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करने की बात करें तो यहाँ बीच में 0 है, यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे कहीं होगा मान लेते हैं माइनस 8, तो माइनस 8 से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस 8 से कहाँ जाना पड़ेगा आपको, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ माइनस इन्फिनिटी बोल दिया और वो प्लस इन्फिनिटी है। आगे बात समझ में, तो ये इनइक्वालिटी का रूल नंबर वन कि माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, जैसी इनइक्वालिटी लगी हुई है उसका जस्ट रिवर्स वाली चीज़ लगेगी। आई होप रूल नंबर वन आपको क्लियर होगा, ठीक, इसको नोट कर लो। अब हम सेकेंड रूल की बात करते हैं कि रूल नंबर टू क्या है हमारा, ठीक। अब रूल नंबर टू का मतलब यह है कि अगर इनइक्वालिटी माइनस से हो रही है क्या कभी और भी बदलेगी, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो बिल्कुल उसका आंसर है यस, इनइक्वालिटी अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो भी बदलती है। तो लिख लेते हैं इसी चीज को हम लोग, इफ वी मल्टीप्लाई बाय, ये तो लिख लिया हमने मल्टीप्लाई करने के बाद, अब हमें क्या लिखना, इफ वी टेक रेसिप्रोकल then also inequality reverse। इसका क्या मतलब है समझो, reciprocal का मतलब क्या हुआ ये समझिएगा, reciprocal का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो सपोज करो मेरे पास आंसर आ गया ऐसा, क्या बोला मैंने, 1/x is greater than equal to 8, तो आपको क्या बताना था x की वैल्यू, तो आप उधर ट्रांसपोज ना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल x by 1, इसका रेसिप्रोकल 1/8। अब इनइक्वालिटी कैसी है बताइए, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगी एक तरह से लेस देन इक्वल टू, तो x लेस देन इक्वल टू 1/8, ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में, अगर हम बात करें इसको x belongs to आप लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, माइनस इन्फिनिटी से 1/8 तक, और ये इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो आपको आई होप पता होगा क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट क्या चीज़ होती है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ओपन ब्रैकेट में क्या होता है उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं, और क्लोज ब्रैकेट मतलब इक्वल टू है, तो 1/8 को इंक्लूड करना है, तो हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं।
तो अगर आपने रेसिप्रोकल लिया तो भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। ये रूल लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा, अरे हाँ ये सर ने बताया था मुझे सर ने, और वो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक, इसके बाद एक और है रूल, तीनों रूल समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन आप लगाओगे सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो पहले, तो फिर थर्ड रूल लिखते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक, फिर अपना नोट करते रहिएगा। थर्ड रूल क्या है, रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री कहता है कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो रूल नंबर थ्री एक रूल नहीं है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है। इन इनइक्वालिटी क्या करेंगे हम, वी विल ट्राई टू इग्नोर, क्या इग्नोर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या इग्नोर करेंगे बोलो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को इग्नोर करेंगे। अच्छा, अब इग्नोर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को तो करेंगे क्या, ये भी तो पता होना चाहिए, करेंगे क्या। देखो एक तरह से एग्जाम्पल लिया मैंने, बोला 1/x + 1/x + 1 इज ग्रेटर देन 1/x + 2। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई मत करो, तो करेंगे क्या, आपको करना पड़ेगा क्या, पहले तो सॉल्व करेंगे उसको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वी विल इग्नोर टू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन या वेरिएबल जो लिखे हुए हैं आपके, उनको आप ट्रांसफॉर्म करोगे और उसको सॉल्व करोगे, देन सॉल्व इट। तो इसमें अगर हमने कहा कि अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x + 1 + x ग्रेटर देन 1/x + 2। ठीक, तो ये क्या बन गई वैल्यू, देखिए ध्यान से, 2x / x × x + 1 ग्रेटर देन 1/x + 2। पहले यहाँ तक तो सबने कर लिया, अब क्या करोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इग्नोर करने वाले हैं और ट्रांसपोज करने वाले हैं। समझना ध्यान से, ट्रांसपोज करने वाले हैं मतलब कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2x / x × x + 1 और ये टर्म पूरा उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब फर्दर ही आपको एक इक्वेशन बनानी है, x + 1 x + 2 और इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x × x + 2 माइनस टाइम्स x × x + 1। ठीक, अब यहाँ पे देखो और सॉल्व कर ले तो क्या बन गया ये बताओ, 2x² + 4x - x² - x / x × x + 1 x + 2 ग्रेटर देन 0। ठीक, क्या हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो अब इसको और सॉल्व कर ले तो ये देखो 2x² - x² क्या हो जाएगा, x² + 3x / x + 1 x + 2। अब आपको देखो यहाँ तक सॉल्व कर लो और इसमें भी क्या कर सकते हो आप, x कॉमन ले लो तो एक फैक्टर बन जाएगा आपका क्या, एक बन जाएगा आपका, x कॉमन लेंगे तो x + 3 ये बन गया। अब जब भी ऐसा हो जाएगा तो आपको एक कंसेप्ट आता है, कौन सा, वेवी कर्व मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है वेवी कर्व मेथड, जिसको एक और नाम से हम बोलते हैं साइन स्कीम। अगर ये आपको पता है तो आप इसके आगे बस कुछ नहीं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे और उसको हम प्लॉट करके सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन रूल याद रखिए, नेक्स्ट क्लास जो मैं लूँगा उसमें आपको मैं वेवी कर्व और साइन स्कीम पढ़ाऊँगा, फिर इस तरह के जो क्वेश्चन बने हैं यहाँ तक ये आप इजीली सॉल्व कर लो। ठीक, ये तीन चीज़ें करिए, अपने बुक के क्वेश्चंस लगाते रहिए। एक काम और करिए क्या, कि जो भी आपका वीडियोस ये पोस्ट कर रहे हैं माइंड मूवर एकेडमी के चैनल पे, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थोड़े अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको शेयर करके अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको आप बता सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और यहाँ पे आप आके अपना एनरोलमेंट प्लस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इतना आप लोग अच्छे से कर लीजिए। सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।